जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैध सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान। जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज हम थोड़ी सी बात कर लें इस पे कि ये बजायर तो तकरीबन 55 रुकनी काबीना है, और काबीना का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हुकूमत का वो है कि मईशत उनके काबू में आ रही है या नहीं। और अब बातें शुरू हो गई हैं कि इसहाक डार साहब शायद वापस आ रहे हैं और वो आके मईशत को संभालेंगे और अपना ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो आप क्योंकि इक्तदार के आह्वानों में घूमते रहते हैं, जरा हमें बताएं ना कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है ये जो डार साहब के वापस आने की बातें हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसहाक डार साहब की जो मैं एक खूबी बयान करूं आपको, इसहाक डार साहब ने जनाब वो जो अपनी पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी थी। मैं आपको बताऊं, 82 के करीब जो कमेटीज थी वो उनको चेयर करते थे, और रेगुलर, और उनके ये नहीं था कि एक की आज मीटिंग हुई है, दूसरे की होगी अगले महीने जाके, वो उन सबको देख रहे होते थे तकरीबन हर दूसरे दिन के उसके वक्फे से, और इंपॉर्टेंट चीजें उनके पास थी और वो सारी चीजें उस तरह से बहुत ही ज्यादा एक्टिव। और जो उनके उनकी दूसरी बड़ी खूबी, उनके क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शायद जो अपनी हुकूमत है वो आउटसोर्स कर दी थी इसहाक डार को। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से उनकी मुस्तादी थी और जिस तरह से वो चीजों को देखते थे, उससे तो यही लगता था कि सारा कुछ उनके पास है, और इसमें एक एतमाद की फिजा भी थी कि उनके ऊपर एतमाद भी किया जाता था। देखिए, जब आप उनके उस वक्त में इत्तेहादी नाराज होते थे, आप कौन जाता था, इसहाक डार साहब जाते थे और बड़े बखैर खूबी उनको वापस भी लेके आते थे और सारी चीजें ठीक भी कर लेते थे। दूसरा मसला क्या था, आपके डॉलर को भी कंट्रोल किया हुआ था। एक दफा आपके शेख रशीद साहब ने दावा किया था, अगर ये डॉलर नीचे लेके आएंगे तो अपनी सीट से मुस्ताफी हो जाऊंगा। बिल्कुल तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने बड़े ही पोलाइट मैनर में इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि शेख साहब, डॉलर नीचे आ गया है, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा आप मुस्ताफी हो, आप दुआ करें कि मजीद नीचे चला जाए। तो ये मुझे उनकी और जो उनकी खूबी ये थी कि हर हर जर्नलिस्ट को टाइम देते थे। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको कॉल की और आपने फोन नहीं उठाया, और आपकी मिस बेल के ऊपर कॉल करके आपको सेटिस्फाई करते थे, हर चीज का जवाब देते थे। अब जो सूरत हाल बन रही थी पिछले काफी अरसे से, हम देख रहे थे कि इसहाक डार साहब नाराज है मिफ्ताह इस्माइल साहब से, वो कह रहे हैं कुछ चीजों को ये सही तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे। हमें ये भी खबरें आई हैं कि ऑनलाइन वो उनसे रब्तों में रह के उन्होंने काफी सारी चीजें वहां से भी बैठ के भी सेटल की हैं, इस चीज को यूं कर लिया जाए, इस चीज को इस तरह से देख लिया जाए। इवन के बजट की तजावीज में उनकी तजावीज का कहते हैं कि बहुत ज्यादा साथ है। अब उनकी बात, अब बात आ रही है कि उनके वापस आने की, उनके वापस आने के साथ दो चीजें जोड़ी जा रही है। एक तो वो आएंगे वापस, पहले आप ये भी जहन में पहली रखें, जब पहली बात तो ये कि क्या आएंगे। जी मुझे ये लग रहा है कि उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो अभी अकेले आएंगे। आप ये पूछेंगे अकेले से क्या मुराद है, अकेले से मुराद ये कि क्या वो नवाज शरीफ के साथ साहब के साथ आएंगे या अकेले आएंगे। जी वो अभी ये जो चासिस चल चल रही है कि वो अभी अकेले यहाँ आएंगे और ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द आएंगे। अब आने के बाद वैसे उन्होंने उनको क्या कर, घर भर जब्त किया था मॉडल टाउन में नैब ने, वो भी शायद उनको वापस मिल गया है। जी जी बिल्कुल, ये चीजें भी हैं। और अगर आपको याद हो, उन्होंने हल्फ लेने की बात वहां से की थी कि ऑनलाइन मेरा अगर हल्फ ले लिया जाए, तो संजरानी साहब इस चीज के ऊपर राजी नहीं थे। अब उन्होंने आके सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने हल्फ लेना है। हल्फ लेने के बाद जाहिर बात है मिफ्ता इस्माइल की नस्बत उनका वजन ज्यादा है, वो चीजों को उसकी नस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, और माशी जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुझे ये लगता है कि अगर वो वापस भी आ जाते हैं और अपना हल्फ भी ले जाते हैं, तो कोई देर नहीं लगेगी कि वो वजीरे खजाना का कलमदान उनको सौंप दिया जाए। अब इसमें अवैध साहब एक और बात आ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो ये है कि क्या उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा या नहीं बनाया अच्छा, जाएगा। देखिए यानी ये भी इम्कान है कि उन्हें वजीर खजाना ना बनाया जाए और चेयरमैन सेनेट या कोई और बड़ा ओहदा मिल जाए उनको। जी बिल्कुल, आते ही एक ये बातें भी चल पड़ी हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट का ओहदा अगर दे दिया जाएगा, चेयरमैन सेनेट कोई
इस तरह से तो नहीं है कि वो उनकी एक दिन की सीट है वो आराम से बैठ जाएंगे। चेयरमैन सेनेट का अच्छा खासा काम होता है, उसने बहुत सारे अमूर जो है वो उसने अंजाम देने होते हैं। तो एक तरफ से माशी परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो हम इस चीज को रद्द तो नहीं कर सकते कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनको मिलना है या नहीं मिलना, या वो लेते हैं या ये तय करते हैं कि होना चाहिए या नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और इसहाक डार के दरमियान दूबदू लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी जी? गिलानी साहब की किस्मत क्या कहें कि गिलानी साहब ने के बारे में सबसे पहले तो हमने देखा था, बहुत अच्छे अच्छे लोग ये कह रहे थे कि जनाब उनको इस तरह से ये कम अज कम अपोजिशन लीडर के तौर पे नहीं आना चाहिए था। वो जब अपोजिशन, वो पिछले दिनों की बात है, क्योंकि अगर आप चले जी चेयरमैन सेनेट की वो कर लेते उसके ऊपर हम मान जाते कि कुछ है, आप वजीर आजम रह चुके हैं इतना नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि अब जो एक सूरत हाल जो बनती नजर आ रही है वो गिलानी साहब की, वो इस सीट को लेते हैं, वो एक ही चीज में बका उनकी नजर आ रही है, वो ये है कि डार साहब माशी जो सूरत हाल है उसको ठीक करने के लिए इनको उसके ऊपर इस सीट के ऊपर लगा दिया जाए कि भाई आप फिलहाल जो है वजीर खजाना के तौर पे अपनी चीजों को देखें, बाद में कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो उसके ऊपर भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक ये मशरूत है कि वो उनका आना कितने हद तक है, वैसे 90% ये चांसेस हैं कि वो वापस आ रहे हैं। सही, और आपने जैसे कहा कि वो अपोजिशन लीडर बन गए, हमारे तबका अशराफिया की खसूसियत ये है कि ये वो दमड़ी भी नहीं छोड़ते हैं, जहां इनको कोई छोटा से छोटा मौका मिले, वो जो हाई मॉरल ग्राउंड है कि जी अब चलो मैं वजीर आजम रह चुका हूँ या और बड़े ओहदे एंजॉय कर चुका हूँ, किसी और को दे दें पार्टी के अंदर, वो चीज नहीं है इनके अंदर मुझे नजर आती। तो कोई टाइमलाइन भी दे रही है मुस्लिम लीग नून उनके जिन लोगों से आपकी बात होती है कि कब तक वापसी का इम्कान है डार साहब का? डार साहब का ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ईद शीद मना लें या ईद के ऊपर आपको उनके आने का कोई चांस बन जाएगा, कम अज कम बजट के बाद ही होना है, बजट तो आपका एक दो दिनों के अंदर ये पास हो जाएगा, तो उसके बाद वो तशरीफ ला रहे हैं। किस किस्म का जो वाइब्स आ रही है, फिर ये भी हमें देखना होगा कि उन पर जो केसेस इस वक्त अभी मौजूद हैं, क्योंकि सारे केसेस खत्म नहीं हुए हैं, उनकी क्या कानूनी सूरत हाल बनेगी। जाहिर है कि पीटीआई दबाव डालेगी उनकी गिरफ्तारी के लिए और अदालतों में जो मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इस पर भी अलहदा से कोई गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं इस हवाले से जरूर कहना चाहता हूँ कि अब देखें इसहाक डार साहब को सेनेटर मुंतखब हुए और तकरीबन 4 साल अब होने वाले हैं, जब 2018 के इंतखाबात भी हुए थे उसके बाद, और उसके कुछ ही अरसे के बाद ये सेनेट के इंतखाबात हो गए थे। चाहे इसहाक डार साहब सेनेट में हो या चौधरी निसार हूँ पंजाब असेंबली में, ये जो एक रिवाज है ना कि जी हमने हलफ नहीं उठाया लेकिन सीट रोक के रखी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये भी कोई मुनासिब और जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। या तो आप अपना बाकायदा फाल किरदार अदा करें, वरना फिर आप वो सीट किसी और के लिए छोड़ दें बजाय इसके कि आप मौजूद भी नहीं है, सीट भी आपने रोकी हुई है, ये कोई इतना मुझे मुनासिब बात नहीं लगती, इसको रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। जाते जाते एक बात मेरा ख्याल है और हम डिस्कस कर लें, कल के जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें आपने जिक्र किया था वजीर बे महकमा का, जिसका बोतानी साहब ने अपनी तकरीर में भी तस्करा किया था। तो ये एक तरफ बे महकमा वजीर घूम रहे हैं हुकूमत के ऐवानों के अंदर जिनको महकमे नहीं दिए जा रहे, दूसरी तरफ बाहर से ला के डार साहब को वजीर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या चक्कर है? मेरा ख्याल से देखिए डार साहब का वजन तो बहुत ज्यादा है, अगर उसमें इस मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि माशी सूरत हाल और चीज मामलात को तय कराने में, अब इधर कौन है, इधर आपके जवेद लतीफ साहब को छोड़ दें, अवैस नूरानी साहब हैं, रुबीना साहबा हैं, जावेद अनवार हैं, इस किस्म के 8-9 और लोग भी हैं जिनकी हम अगर आपको पार्लिमानी अगर आप उनकी कोई परफॉर्मेंस देख लें या उनका कोई किरदार देख लें, इस मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि उन्होंने कोई लेजिस्लेशन में उसका उनका वो कोई साथ देख लें, तो इतनी बड़ी चीजें नजर नहीं आती। तो उनको अगर अगर गिला है, अच्छा वो अपना गिला इसलिए भी रोक के बैठे हैं कि जब उन्होंने देखा कि बलूच के जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो भी अपना वो हिस्सा मांग रही हैं इसके अंदर आपकी कैबिनेट के अंदर, तो वो थोड़े से खामोश इसलिए हुए हैं
कि भाई अगर हम भी मांगने लग गए वो भी मांगने लग गए तो ये हुकूमत किधर जाएगी, फिर हम दोबारा वहीं आके खड़े रह जाएंगे। तो इस मामले में कि डार साहब का मामला इनसे अलग है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि ये जो 9 वजीर है महकमे के बगैर, ये जो है ये बस अपने हल्के में लोगों को बताते रहेंगे कि हम वजीर बन गए हैं, और जो भी उसकी बुनियाद पर जो है वो एक वो जैसे होता है जो हमने उनका शाहजहान बुगटी का भी देखा था कि खाने के लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियां भेजते रहेंगे, उसके अलावा जो है वो कोई इनका हुकूमत के अंदर उस तरह से किरदार नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी यही मजबूरियां होती हैं कि उसे सबको खुश रखना होता है और सबको कोई ना कोई टाइटल देना होता है। बहरहाल जो फोकस है वो इसहाक डार साहब की वापसी पर है, और जिस तरीके से ये डिस्कस हो रहा है जिन जिन हलकों के अंदर, आप भी जैसे तस्करा कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि हिलजुल तो जरूर है। अब वो कब वापस आते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है और क्या वाकई वो कोई जादू दिखाने में कामयाब होते हैं मईशत के मैदान में, ये हमें देखना होगा। आज की गुफ्तगू हम यहीं खत्म करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह करते रहा करें। जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।